चलिए एक और रुक करते हैं, बड़ी खबर जो सामने आ रही है तो सपा कार्यकर्ताओं का धरना देखने को मिला है। आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम आवास पर धरना दिया है। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी को लेकर ये धरना दिया गया है। डीएम आवास पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें जिस तरीके से लाइव डिबेट में झड़प देखने को मिली थी उसके बाद अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी हुई थी और अब सपा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, ये धरना देखने को मिला। तो अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी को लेकर यह धरना दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक निजी न्यूज चैनल का मामला है जहां पर बीते शाम को दो प्रवक्ताओं के, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में आपस में नोकझोंक हुई थी और नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि आपस में हाथापाई तक की नौ बताएगी। बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा शिकायत से नोएडा के सेक्टर 20 वाला पुलिस को दी गई थी, जिसमें गौरव भाटिया ने पुलिस को फोन किया था। उसके बाद अनुराग को पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए। वहां पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर वहां पहुंचे थे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानंद में जो सपा प्रवक्ता थे उनको वहां से, अनुराग को वहां से हटा के एक्सप्रेस में थाना पुलिस ले गई। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर है, तमाम लोग वहां पर डीएम के आवास पर सुबह घेराबंदी करने के लिए पहुंचे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी पार्टी इस मामले में जो है नोएडा पुलिस से जो है कार्रवाई करवा रही है और जो उनकी जो शिकायत है वो नहीं ले रही है और तमाम जो मनमानी है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। नोएडा पुलिस इस शिकायत उनसे नहीं लिए, तो इन सभी चीजों को लेकर डीएम का जो है घेराव करने के लिए पहुंचे। उनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस जो है बीजेपी के समाजवादी पार्टी की जो है एक शिकायत को उन्होंने दर्ज नहीं किया है। जी शिव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।